नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपके सामने अभी आपके कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ कि व्हाई स्टूडेंट फेल्ड इन मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। कभी भी कोई बच्चा जब पढ़ने की कोशिश करता है तो पढ़ते पढ़ते पेपर में जाके ही उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स गिनाऊंगा, 8 पॉइंट्स हैं। उन 8 पॉइंट्स में 8 गलतियां हैं बच्चों की। अगर वो 8 गलतियां आप लोग नहीं करोगे तो पेपर में डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर करोगे और गवर्नमेंट जॉब लेके जाओगे। तो 8 गलतियां कि व्हाई स्टूडेंट फेल्ड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो गलती होती है कि कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है बच्चे के अंदर, ना कोई पैशन है। बच्चा पेपर करने ऐसे एक हर्ड में चला गया, झुंड में चला जाता है भाई कि वो दो लोग गए हैं पढ़ने तो मैं भी चला जाऊं। ऐसे पढ़ाई करने वाला बच्चा कभी भी पैशन क्रिएट नहीं कर पाता। अब कोई पैशन नहीं है बच्चे में, कंपिटिटिव में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मैं आपको सही बात बताऊं, 60-70% बच्चा कंपैशनेट ही नहीं है, उसमें पढ़ाई करने का जज्बा ही नहीं है। अगर सोच के देखो, अगर आपके अंदर कोई जज्बा नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप लोग उस अपने मकसद को कभी भी हिट नहीं कर पाओगे, मकसद को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर सोचो कि सचिन तेंदुलकर अगर खेलता, अगर वो उसमें पैशन नहीं होता खेलने का, तो क्या वो इतना सक्सेसफुल बनता? क्या विराट कोहली के अंदर पैशन की कोई कमी दिखती है अपनी खेल को लेके? उसी तरह से आपके पढ़ने वाला जो बच्चा है उसमें पैशन की कमी है, वो पैशनेट नहीं है अपनी ही चीजों को लेके। वो बस झुंड में पढ़ाई कर रहा है कि भाई चला गया, क्लास लगा ली, ठीक है, बस घर आए, सोए, खाया, पिया, उठा, शाम को लड़की की तरफ पीछे निकल गए। इस तरह से मतलब उसकी दिनचर्या रहती है। तो मतलब वो पैशनेट नहीं है, उस वो डिटरमाइंड नहीं है उसको करना क्या है। तो 2 गलतियां तो ये है, पहला कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, अगला कोई पैशन नहीं है। थर्ड मिस्टेक जो बच्चा करता है, नो गेटिंग इट डन एटीट्यूड। एक तो होना चाहिए गेटिंग इट डन, भाई मैंने करना है तो करना ही है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर दो भाई, दुनिया दिन रात एक कर दो, वो एटीट्यूड नहीं है। तो 80% बच्चा जो है ना उसमें ये एटीट्यूड ही नहीं है, बस ठीक है कैजुअली जा रहा है, कैजुअली आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई के लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि गेटिंग इट डन एटीट्यूड जिसके अंदर होगा, भाई करना है तो जो हो जाए करना ही है। आपने कुछ पॉइंट्स पे अपनी अपनी लाइफ में ऐसे सोचा होगा कि भाई मुझे करना है, ठीक है। बच्चा रात को सोते सोते सोचता है कि भाई मुझे करना ही है पक्का, मैंने पक्का गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सुबह उठते वो एटीट्यूड उसका खत्म हो जाता है, वो खत्म नहीं करना है। अगला, नॉट विलिंग टू गिव एक्स्ट्रा पुश। आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको जितना करवा दिया जाता है आपको लगता है कि बस उतने काफी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। भाई अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आप कोई गेम खेलते हो बचपन में, किसी गेम में क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट जब खेलते हो तो एक्स्ट्रा पुश आपको वहां पे देना ही पड़ता है। सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, जब भी एक कोई बंदा कार ड्राइविंग स्कूल में जाता है, जब भी कोई बंदा कार ड्राइविंग स्कूल में जाता है तो ड्राइवर उसको सिखा देता है, बोलते हैं भाई महीने में गाड़ी सिखाओ। महीने में गाड़ी सीखने के बाद जब अपनी गाड़ी चलाओगे तब आपको लगेगा भाई हमने कुछ नहीं सीखा। तो पर फिर भी आप बोलते हो कि भाई मुझे कुछ करना है, तो आप लोग गाड़ी चलाते रहते हो, वो एक्स्ट्रा पुश होता है। आप प्रैक्टिस करते हो सुबह शाम, खाली रोड पे गाड़ी लेके जाते हो, वो एक्स्ट्रा पुश दे रहे हो आप लोग। अगर आपने गाड़ी सीखने के लिए एक्स्ट्रा पुश नहीं दिया होगा तो सिखाने वाले का भी कोई फायदा नहीं होगा। वही है, आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें एक्स्ट्रा पुश चाहिए, भाई आपको वो एक्स्ट्रा पुश दो। ये नहीं देते हैं बच्चे, इस वजह से गवर्नमेंट जॉब में पेपर में जाके उनको दिक्कत आती है। नेक्स्ट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट्स। ओवर एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट्स का मतलब है कि बच्चे ने सोचा कि भाई मैंने 3 महीने में बहुत पढ़ लिया है, अब मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं इतना ही एग्जाम के लिए काफी है। जो बच्चा ये सोच लेगा इतना पेपर के लिए काफी है, वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है अपने एफर्ट्स को, कि भाई उसने बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि भाई मैंने ये भी किया, वो भी किया, ऐसा भी किया, ऐसे भी किया, फिर भी पेपर नहीं निकल रहा, तो वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है। जो बच्चे बोलते हैं सर मैंने इतना ट्राई कर लिया, इतना टाइम हो गया मेरे को पढ़ते हुए, ठीक है मैं अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही आता है, तो वो ओवर एस्टिमेट। इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकता हूँ, बट ओवर कॉन्फिडेंस बोलना गलत होगा। ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे पहले निकल जाते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है इस चक्कर में, क्योंकि उनको सब आता है। तो ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट्स, पढ़ने वाले बच्चा कभी भी ये बोले कि भाई अब तो बहुत पढ़ लिया मैंने, तो समझ लो कि भाई तुम अपने एफर्ट्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें और एफर्ट डालने की जरूरत है। और एफर्ट्स का मतलब है भाई तुम्हें और टफर प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी चीजें और अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत है। नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। केवर क्या होता है, हम पेपर देने जाते हैं, पेपर में जाके ही हमें अपनी गलती का एहसास होता है। सिर्फ गलती का एहसास हमें पेपर में ही होगा कि भाई पेपर में जब गए हमें पता लगा, उस टाइम पे वो सारी चीजें याद आती हैं कि भाई मैं पढ़ने के टाइम पे मैं घूमने चला गया था, ये पहली गलती।
मैंने वो चीज़ एक बार देखी, उसको रिवाइज नहीं किया, अब मेरे को हो नहीं रही, ये दूसरी गलती। इस तरह से बहुत सारे मिस्टेक हैं जो पेपर में, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पेपर में बैठे बैठे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, और वो पेपर में बैठे बैठे गलतियों को ना, ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होगा, पेपर देने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलतियां क्या की हैं। उन गलतियों से सीखो, उनको इम्प्रूव करो, उनको इम्प्रूव करो। जो बच्चा अपनी गलतियों पास वाले पेपर से इम्प्रूव करेगा वो डेफिनेटली पेपर में सक्सेस पाएगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है टीचर की एडवाइस को फॉलो ना करना। टीचर ने आपको बोल दिया, ठीक है, कि भाई ऐसा कर लो, तो तुम करते हो, बट तुम दो महीने बाद, तुम एक महीना करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, फिर छः महीने बाद तुम बोलते हो सर हम क्या करें, टीचर फिर बोलता है वही कर लो, तुम वो उसकी एडवाइस सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा IAS निकलते थे, यूपी बिहार बहुत ज़्यादा IAS निकलते थे, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट तो चलो सब में होती है, बट रिस्पेक्ट है, और ये ब्लाइंडली फेथ करते हैं अपने टीचर के ऊपर। टीचर बोलेगा यहाँ से पढ़ो, ये वहाँ से पढ़ेंगे, टीचर बोलेगा यहाँ से पढ़ो, ये वहाँ से पढ़ेंगे, टीचर बोलेगा इधर आ जाओ, इधर आके पढ़ो, मतलब जो टीचर बोलेगा ना वो करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये अपनी टीचर की बात को सीरियसली लेते हैं। अब क्या होता है, 80% बच्चा जब टीचर बोलता है भाई यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, तो बच्चा बोलता है नहीं, हाँ मैंने नहीं खर्चने पैसे, मैं इधर करता रहूँ। भाई तुम एक चीज़ याद रखो, अच्छी चीज़ें, ठीक है, तुम्हें अलग अलग जगह से मिलेंगी, ठीक है, तो तुम लोग अलग अलग जगह से पढ़ाई करो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर नहीं करना चाहते, तुम अपने तरीके से इम्प्रोवाइज कर लो पढ़ाई को, ठीक है, बट तुम्हें बहुत डिफरेंट सोर्स ऑफ पढ़ाई ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, तब तो आके तुम्हें फायदा मिलेगा। तुम मतलब ऐसा सोचते हो ना, कई बार क्या होता है ना, मैं सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक में बच्चों को बोलूं कि भाई तुम ये चीज खरीद लो, मैं किसी को बोलूं ना तुम ये वाली बुक खरीद लो, ठीक है, या तुम इस वाले टीचर के पास पढ़ लो, तो बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा, मैं घर पर बैठ के पढ़ूंगा। मतलब तुम ये चाहते हो कि भाई तुम घर बैठे बैठे तुम IAS बन जाओ, तुम बैंक मैनेजर बन जाओ, तुम SSC ऑफिसर बन जाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तुम्हें एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पुश और टीचर की एडवाइस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पुश और टीचर की एडवाइस, ये कंबाइन तरीके से चलता है। टीचर जो बोल रहे हैं वो करो, और एक्स्ट्रा पुश दो अपनी स्टडी को। ये एक्स्ट्रा पुश जो है टीचर ही आपको सजेस्ट कर सकता है कैसे करना है, और कुछ आप अपनी तरफ से कर सकते हो। 20-30% टीचर बताएगा, बाकी 70-80% आप लोगों ने करना है। क्या होता है ना कि हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। कभी टीचर बोलता है ना कि भाई ऐसी तरीके से पढ़ाई करो कि ऐसे ऐसे हो जाए, कुछ लोगों को लगता है नहीं टीचर की बात नहीं माननी, ये तो ऐसे ही मैं अपने तरीके से करूँगा। भाई तुम अपने तरीके से करो, बट 80% टीचर की एडवाइस मानो, 20% अपना तरीका लगाओ, तब जाके पेपर में सक्सेस मिलेगी। और इसके बाद मेन होता है कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड। उन्होंने सबसे आखिर में बताया, लिखा मैंने पांचवा, बट कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड का मतलब है कि भाई आप जिंदगी में सिर्फ कंप्लेन ही करते आए कि भाई मेरे साथ अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मैं उस जगह पे होता। देखो ये कंप्लेनिंग क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब आपको पेपर में आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होता है तो आप क्या करते हो कि भाई बहानों के पीछे छुपना शुरू कर देते हो कि भाई मेरे साथ वो हो गया, दैट इज कंप्लेन कर रहे हो आप सामने वाले को कि मेरे साथ अगर उस टाइम ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आज अच्छी जगह पे होता। तो ये बेकार है, आपने आपकी कंप्लेंट किसी ने नहीं सुननी है। सेकंड, आप हमेशा किसी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होगे कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, दैट इज क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग का मतलब तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, दैट इज क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड कि मेरे ही साथ क्यों, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूं, मुझे अब दिक्कत हो रही है, दैट इज क्रिटिसाइजिंग कंप्लेनिंग एटीट्यूड। इस कंप्लेनिंग एटीट्यूड को दूर करो, इसको इंप्रूव करो, ठीक है। मैंने जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को देखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दो, ठीक है, कि भाई हर बार किसी बंदे को क्रिटिसाइज करना, आप किसी को कंप्लेन करते टाइम अपनी गलती को, उसकी कंप्लेन को सामने रख के अपनी गलती को छिपा देना, ये एटीट्यूड जो है ना ये भी खत्म कर दो, नहीं तो पूरी लाइफ निकल जाएगी बहाने लगाने में और कंप्लेन करने में। तो ये 8 गलतियां मैंने गिना दी आप लोगों को, अब लाइफ में भूल के ये वाली गलतियां मत करना, नहीं तो कभी भी पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।